महिलाएं कर सकती है पिंडदान और तर्पण? क्या महिलाओं को ये अधिकार है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो आज का टॉपिक यही है कि महिलाएं क्या तर्पण और पिंडदान कर सकती है, क्या महिलाओं को ये अधिकार है? तो आज मैं आपको यही बात बताने वाली हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। मार्कंडेय पुराण में अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी श्राद्ध कर्म कर सकती है। परिवार के पुरुषों के ना होने पर महिलाएं भी श्राद्ध कर्म करने की अधिकारी होती है। धर्म सिंधु ग्रंथ, मनुस्मृति, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण और गरुण पुराण में महिलाओं को तर्पण और पिंड दान करने का अधिकार बताया गया है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। बालाजी धाम काली माता जी के मंदिर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सतीश सोनी के अनुसार लोग अपने पितरों को ना भूले, इसलिए श्राद्ध की व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है। मार्कंडेय पुराण में कहा जाता है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी ना हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार और कुल में कोई पुरुष ना हो तो सास का पिंडदान बहू कर सकती है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर घर में कोई वैवाहिक बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला इससे पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका होता है। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफेद या पीले कपड़े पहन सकती है। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ काले तिल से तर्पण नहीं करना चाहिए, केवल जल से तर्पण करना चाहिए। क्या सगा भाई भी कर सकता है श्राद्ध? तो डॉक्टर सैनी ने बताया है कि पुत्र या पति के नहीं होने पर कौन श्राद्ध कर सकता है। इस बारे में गरुण पुराण के 11वें अध्याय के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र या गणेश पुत्र के अभाव में बहू की पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार होता है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित ना हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। क्या श्राद्ध पक्ष में पंचवली का है विशेष महत्व? तो बर्मा पुराण में पंचवली का बहुत महत्व बताया गया है। पंचवली में सबसे पहला भोजन गाय को खिलाए, जिसे गोवली कहा जाता है। उसके बाद दूसरा घास कुत्ते को दो, वही तीसरा भोजन कौवे को दो, जिसे काकवली कहते हैं। चौथा देववली, जिसे जल में प्रवाहित करते हैं। और अंतिम पांचवा घास चींटियों के लिए, जिसे पिपीली आकादी वली कहा जाता है। क्या धन एवं समय के अभाव में आप कैसे कर सकते हो श्राद्ध? तो वो भी मैं बताती हूँ। दोस्तों, पद्म पुराण में उल्लेख है कि जातक अगर दनहा अभाव या समय अभाव में श्राद्ध तिथि पर पितरों का स्मरण कर गाय को हरा घास खिलाए तो उसकी पूर्ति होती है। वहीं विष्णु पुराण में कहा गया है कि अगर यह भी संभव ना हो तो श्राद्धकर्ता एकांत में जाकर पितरों का स्मरण कर दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करे, पितरण मेरे पास श्राद्ध के लिए उपयुक्त धन नहीं है, मेरे पास आपके लिए हृदय से श्रद्धा है, इसी से आप तृप्त हो जाए, तथा गीता का 7वां अध्याय का पाठ का महत्व सुनाए तो श्राद्ध कर्म की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज श्राद्ध से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि महिलाएं श्राद्ध कर सकती है, उसकी विवाहित स्त्रियां कर सकती है, अगर विवाहित स्त्री या पत्नी नहीं हो तो कनिष्ठ ज्येष्ठ बेटी पुत्री कर सकती है, वो भी नहीं हो तो भतीजा भांजा वगैरह वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।